समाजवादी पार्टी में जारी घमासान के बीच चुनाव आयोग आज चुनाव चिन्ह साइकिल पर अंतरिम फैसला सुना सकता है। फैसले से पहले इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आयोग सपा के साइकिल चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर सकता है। जानकारों का कहना है कि चुनाव आयोग साइकिल के चुनाव चिन्ह को जब्त कर दोनों खेमों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे सकता है। सूत्रों की माने तो अगर अखिलेश खेमे को साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं मिलता तो वो मोटरसाइकिल का चुनाव चिन्ह मांग सकते हैं। अखिलेश खेमे के चाणक्य कहे जाने वाले रामगोपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनके खेमे को चुनाव चिन्ह नहीं मिला तो वो अखिलेश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि सपा से राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव की ओर से 1 जनवरी को बुलाए गए पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया था। इसी अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष पद से हटाकर पार्टी का संरक्षक बना दिया गया था। मुलायम ने इस कदम का विरोध करते हुए आयोग का रुख किया और उसे बताया कि वो अब भी पार्टी के अध्यक्ष हैं और चुनाव चिन्ह उन्हीं के खेमे के पास रहना चाहिए। गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में आयोग ने बीते 13 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की शुरुआत 17 जनवरी से होने वाली है। राज्य में 7 चरण में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए चुनाव आयोग साइकिल पर फैसला सुना सकता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।